फिर पहले देखते हैं फिगर में दिया क्या हुआ है. अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर ए. डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल. पॉइंट बी एंड पॉइंट क्यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टैंजेंट सेगमेंट पी डी एंड डी क्यू ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डी. We need to prove that the length of two tangent segments, that is length of PD and length of DQ, to a circle drawn from an external point are equal. मतलब हमें prove करना है कि PD is equal to DQ. Okay. मैंने सबसे पहले क्या बोला है? सबसे पहले अगर आपको ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपका फिगर देखना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका विजुअलाइजेशन, आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. लेट्स लुक एट द फिगर. फिगर में मुझे सर सबसे पहली बात तो मुझे दो टैंजेंट मिल रहे हैं. चलो पहले एक टैंजेंट की बात बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टैंजेंट पीडी. जब मैं टैंजेंट पीडी के बारे में बात करता हूं तो जब मैं टैंजेंट की बात में बात करता हूं मुझे टैंजेंट थ्योरम याद आता है. और टैंजेंट थ्योरम क्या बोलता था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट. तो जब मुझे टैंजेंट दिख रहा है तो हाँ मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा. ओके लेट्स ड्रॉ अ रेडियस दैट शुड बी परपेंडिकुलर. ओके रेडियस एपी इज स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन. मुझे एक और टैंजेंट दिख रहा है स्टार्टिंग डी क्यू. तो मैं यार जब मुझे टैंजेंट दिख रहा है तो रेडियस होना जरूरी है. तो मैं अगेन आई ड्रॉ अ रेडियस कॉलिंग अ रेडियस ए क्यू दैट शुड बी ऑल्सो परपेंडिकुलर. ओके मैं पहले आपको पूरा इसे रफ में करूंगा देन आई विल शो कि सॉल्व कैसे करते हैं, बुक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. प्लीज लुक एट ओवर द फिगर. ओके नाइस. अब अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं. चलो जो दिख रहे हैं उन्हें लिखता हूं. मुझे दिख रहा है ट्रायंगल पी ए डी. लेट्स टॉक अबाउट ट्रायंगल पी ए डी एंड ट्रायंगल डी ए क्यू और क्यू ए डी. योर विश क्यू ए डी. तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं. अब एक बात बताओ ये PD ट्राइंगल PAD का हिस्सा है. यस एंड ये DQ ट्राइंगल DAQ का और QAD का हिस्सा है. हाँ यार अगर मुझे इस PD और DQ को इक्वल प्रूफ करना होगा तो मुझे ये दो ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ करने होंगे. यस और नो? यस. तो मुझे ये दो ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ करने. ओके लेट्स प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स इक्वल. चलो इन ट्रायंगल PAD एंड QAD मुझे एक चीज दिख रही है. क्या? कॉमन साइड AD. सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD. दोनों में AD है. और क्या दिख रहा है? मुझे एक और चीज दिख रही है. रेडियस AP इज इक्वल टू रेडियस AQ. मतलब सेगमेंट AP is equal to, is congruent to segment AQ. Reason, radii of the same circle. इसका reason क्या है? Common side. मैं rough में कर रहा हूँ, okay? Don't worry. इसका reason क्या है? Radii of the circle. Okay. Now, एक और. मुझे दिख रहा है angle A. मेजर एंगल ए पी डी और एंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू डी. कम ऑन रीजन रीजन रीजन. ईच 90 डिग्री. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दीज टू ट्राइंगल्स दैट इज ट्राइंगल पी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QAD by hypotenuse side test. जब ये दोनों triangles congruent हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसका हर एक angle, हर एक side corresponding angles, corresponding sides equal है? हाँ मैं बोल सकता हूँ. Okay, तो जब ये दोनों triangles congruent हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ? PD is equal to QD. Segment PD is congruent to segment QD. Reason, reason, come on, reason, kaun batayega? CF
corresponding sides of common triangle. Corresponding sides of common triangle. कैसे सर वाय हाउ करेस्पॉन्डिंग ओके चलो देखो देखते रहो देखो सर AD इक्वल AD को ओके AP इक्वल है AQ को ओके बचा क्या PD इक्वल है DQ को corresponding sides of common triangle.